नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री के द्वारा संचालित किया गया इकलौता दिव्यांग विद्यालय इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार है। दूर दराज से आने वाले दिव्यांग छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विद्यालय के भीतर एक महिला और एक व्यक्ति रात में पहुंचते हैं जो सुबह होते ही निकल जाते हैं। दिव्यांग छात्रों ने कई बार उनसे पूछताछ की, लेकिन नाम और पता नहीं बताया, बल्कि उल्टा उन्हें धमकी दी जाती है। छात्रों ने बताया कि सचिव धमकी देता है। उसका कहना है कि जैसा चल रहा है चलने दो, अगर ज्यादा नेतागिरी किए तो टीसी दे दी जाएगी। जिससे डरे सैम्य छात्रों ने शासकीय छात्रावास और विद्यालय की मांग की है। छात्रों ने बताया कि जो पुस्तकें आती है वह बेच दी जाती है। अगर वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो स्कूल की बाउंड्री में ताला बंद कर दिया जाता है, जिससे वो बाहर ना निकल सके। आपको बता दें कि रीवा से सांसद और गोवा मुक्ति आंदोलन में अपनी आंखें गंवाने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री के नाम से बिछिया थाना अंतर्गत तोपखाना में दिव्यांगों का विद्यालय संचालित है, जहां दिव्यांग छात्रों ने अपनी आपबीती सुनाई है। आइए आपको सुनाते हैं बच्चों का क्या कहना है और किस तरह से बच्चों ने रात्रि में आने वाले उक्त अज्ञात पुरुष का वीडियो बनाया है। कौन पानी पी रहा है भाई? भाई साहब कौन पानी पी रहा? पानी घर बाकर। अच्छा, अपना कहाँ से आन पानी? कहाँ से आऊँ? हाँ, कहाँ से आऊँ? हाँ, कहाँ से आऊँ? हाँ, कहाँ से आऊँ? हाँ, कमरा से। अच्छा, कौन अंकल जी हैं? अच्छा, ये पानी का चनखाड़ा था। हाँ, अब वह तो देखी मोटर चली, बलकुन चली, अपना बता दे मोटर कहाँ ही। हाँ चली, आई आई हमारे साथ, हम बता दे मोटर अंकल जी का, बता दे पानी का। पानी कहाँ खा रहा है? ये अंकल जी आए हैं पानी। अब कहा कही हम अपने स्कूल का, हम आप चिन के टाड़ना ही। अपना आन कहाँ से अंकल जी? हाँ बताए तो दे। अच्छा, हाँ पानी ले आन उतनी दूर से? हाँ टोटी लगी है, ईंट लगी है, कुछ नहीं कह रहे हैं हम। चलो बताओ। हाँ तो यही सब बात है, और वो एक उसके साथ में आता जो भी। नहीं, क्या तुम्हारी समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही कि हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा? बोला जा रहा है कि तुम लोग को पाएंगे तो ऊपर से नीचे तक सोटेंगे। और सचिव द्वारा बताओ? सचिव द्वारा मेरे को बोला जा रहा है कि तेरे को अभी टीसी दे दूंगा। हाँ। ज्यादा करेगा तो जैसा है वैसा चलने दे। हाँ। और खाना पीना खा जो मिल रहा है, और पढ़ाई हो या ना हो तेरे को कुछ नहीं करना है। नेतागिरी करेगा, राजनीति करेगा, तेरे को टीसी दे दूंगा। जो औरत रहती है जी, उसके साथ में ये एक बुढ़ा आता है जी, शाम 8 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है जी। और उसके लिए हम लोग एक रात प्रयास किए नाम पता पूछने के लिए, वो ना सही से नाम बता रहा ना कुछ सही से पता बता रहा। और कुछ कहते हैं तो ये यहाँ टीचर हैं ना कुछ हैं जी। अब हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ जो किताबें थी उसे बेच लिया गया। अब बताइए, हम आर्गन था, दो आर्गन थे, एक बचा है, एक बेच दिया गया। वाद्य यंत्र इतने खराब है, कभी नहीं बनवाते। ये जो लेडीज रहती है ये अभी भी धमकी दे रही कि हम रहेंगे, जो तुम्हें करना है कर लो, सचिव अध्यक्ष का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते कभी भी जी। जहाँ लड़ना है लड़ लो, कलेक्टर कमिश्नर सब जी जी जी। नाम बताओ? मेरा नाम श्रीश कुमार नामदेव, कक्षा 12वीं जी। मेरा नाम महेश साकी, कक्षा 11वीं। मेरा नाम गोरेलाल साकेत, कक्षा 10वीं जी। मेरा नाम रामजी साकेत, कक्षा 11वीं। और मेरा नाम अजीत यादव, कक्षा 10वीं जी। मेरा नाम कक्षा 12वीं जी। खाना वाना मिलता है? खाना वाना तो मिलता है सर। ताला वाला क्यों बंद किए हैं? तुम्हारे निकलने नहीं दे रहे हैं? नहीं निकलने दे रहे हैं, हम लोग इसी के लिए जा रहे थे तो नहीं निकलने हाँ। बोले तुम लोग नहीं जाओगे। मेरा नाम मनीष, सुनते रहो बस, सुनना तुम्हारा काम है।
और हमारे साथी आ रहे हैं सर, मिल लीजिए। हाँ हाँ या भाई दो। मेरा नाम राहुल पटेल, कक्षा आठवीं। हाँ मेरा नाम पंचम लाल प्रजापति। हाँ कक्षा ग्यारहवीं। हाँ बताओ प्रजापति सर, यही प्रॉब्लम है जो हमारे भाइयों बोल रहे हैं, बड़े भाई। हाँ तुम्हें भी कोई दिक्कत है? सबकी प्रॉब्लम सेम है, सेम है। सबकी प्रॉब्लम एक ही है सर। जी जी, तो तुम चाहते हो कि कार्रवाई हो इसमें? हम तो चाहते हैं कि विवाह में इसको तुरंत हटा जाए, और सर अगर हो सके जी तो हमारे छात्रावास को गवर्नमेंट किया जाए, क्योंकि ना यहाँ टीचर है ना कुछ है, तो हम लोग कैसे पढ़े? और ब्रेल किताब थी उसको बेच लिया गया है। और सर अबे बुढ़े के कुछ है आपके पास रिगार्डिंग जो आता है बुढ़ा रात में? जी जी हाँ। खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।